स्वागत है आपका WDA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की असाइनमेंट जो मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड की थी। चलिए देखते हैं उसके सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आपको सोबर SOBER का कोड था RMADQ, ठीक है, और पूछा गया था आपसे लोटस का कोड क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या थे, KMSTR, बी ऑप्शन था MPUWT एंड सी ऑप्शन था KMSTR एंड डी ऑप्शन था LMRST। ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो आपको लेटर सीरीज के करवाए थे उसी से रिलेटेड थे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सोबर से ये जो कोड है ये कैसे बना, RMADQ। चलिए पहले कोडिंग करते हैं। S कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर, ठीक है। O जो है 15 नंबर पर, B 2 नंबर पर, E 5 नंबर पर और R जो है 18 नंबर पर। कोडिंग करके बहुत इजी हो जाता है। R जो है, जो इसका कोड है उसकी भी कोडिंग करते हैं, 18, 14, A 1 नंबर पर, D 4 नंबर पर और Q जो है वो 17 नंबर पर, ठीक है। तो 19 से एक कम हुआ तो 18, ठीक है। 15 में से 1 माइनस हुआ तो हमें मिला 14, ठीक है। तो 14th जो लेटर होता है वो N होता है, ठीक है। B से 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 कोड किसका है, A का। तो E 1 माइनस करेंगे, 4 कोड किसका है, D का। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, तो 17 कोड किसका है, Q का। तो इस तरह ये कोड बनाया गया है। अब हमसे पूछा है लोटस का, तो सेम रूल हम इसी में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें लॉजिक समझ आ गया है। L जो है वो 12 नंबर पर, O 15 पर, T 20 पर, U 21 पर, S जो है वो 19 पर। तो 12 से एक कम करेंगे 11, 11 लेटर कौन सा होता है, K। 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, तो 14, ठीक है। तो 14 कोड किसका है, N का। T में से 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, तो 19 है S का, ठीक है। U में से 21 में से 1 माइनस करेंगे 20, तो 20 T, 18 कोड किसका है, R का। तो हमारा क्या बन गया ऑप्शन, KMSTR, क्या ये ऑप्शन में है, यस। तो आंसर हो जाएगा A, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या लॉजिक लगा है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अल्फाबेट कोड आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सेकंड इज क्यूरेटिव, CURATIV। क्यूरेटिव का कोड मैंने बताया था BSV D D, इसके सामने सामने लिखेंगे DUHS, ठीक है। अब पूछा किसका था, स्टीमिंग का, STEAMING। अगर स्टैंडिंग फॉर्म में हम लिख लें तो हमें थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है और सॉल्व करना भी इजी रहता है। अब हम अगर देखें क्यूरेटिव को, हम कितने लेटर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लेटर्स हैं। अगर मैं इसका हाफ करती हूं तो ये 4 पे हो जाएगा इसका हाफ, ठीक है। तो अगर हम इसका बनाए लॉजिक जो मैंने आपको बताया था लेटर सीरीज में, कि हाफ हाफ करके भी इसका जो है पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो सी के बाद क्या आता है, डी, फर्स्ट वाले का रिलेशन एंड वाले से, CD, ठीक है। तो यू के बाद क्या आता है, V, ठीक है। R के बाद S, A के बाद B, ठीक है। तो इसका मतलब 1 ऐड हो रहे हैं तो अगला नंबर आ रहा है। इसी तरह इसका देखते हैं, अब इसमें भी यही लॉजिक लगाते हैं। T से पहले क्या आता है, S, ठीक है। अब I से पहले क्या आता है, H, V से पहले U और E से पहले D,
इसमें क्या हुआ है, इसमें माइनस वन हुआ है। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं, यही पैटर्न हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका हाफ कर लेते हैं पहले। एस के बाद क्या आता है, एस टी, टी के बाद यू, ई के बाद एफ और ए के बाद बी। ठीक है, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यही लॉजिक मैंने इसमें लगा दिया। इसी तरह नीचे वाले में वन माइनस करेंगे, एम से पहले क्या आता है, पहले क्या आता है एल, आई से पहले क्या आता है एच, एन से पहले क्या आता है एम और जी से पहले क्या आता है एफ। तो इसका जो है आंसर क्या हो गया आपके पास, बी एफ यू टी एफ एम एच एल। ठीक है, ऑप्शन इसमें ए गिवन था ये, और बी ऑप्शन आपको टी यू एफ बी एफ एम एच एल गिवन था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज एम ए टी ई का कोड है, मेट का कोड है एन जेड जी वी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था पीस का, पी ई ए सी ई, इसका कोड आपसे पूछा गया। सॉल्यूशन इसको मैं स्टैंडिंग फॉर्म में लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इसका कोड जो है एन जेड जी वी, जो पूछा है वो भी स्टैंडिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका देखो क्या क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपको इसके ऑपोजिट लर्न है तो आपको यहां से समझ आ गया होगा कि एम का ऑपोजिट एन होता है। ठीक है, मैंने बताया था मैन ए टू जेड, ठीक है, ग्रीन टी बताया था ना आपको, ऑपोजिट लर्न होंगे ग्रीन टी। ठीक है, इवनिंग, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी इसके ऑपोजिट अप्लाई कर देते हैं। पी का ऑपोजिट होता है के और ई का ऑपोजिट होता है वी। ठीक है, और ए का होता है जेड, सी का होता है एस, क्रैक्स आपने याद किया होगा, ई का ऑपोजिट होता है वी। तो इसका जो है आंसर था के वी जेड एस। जिन्होंने किया है आप देख लेना आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, आई होप के आपने ट्राई किए होंगे ये। फोर्थ क्वेश्चन इज रोड का कोड है ओ आर डी ए। ठीक है, आपसे पूछा गया था डेट, डेट का कोड क्या हो, तो ऑप्शन आपके आपके थे ई टी ए डी, बी ऑप्शन इज ए डी ई टी, सी ऑप्शन इज डी ए ई टी एंड डी ऑप्शन इज ई ए टी डी। ठीक है, तो इसको भी हम स्टैंडिंग में लिख लेते हैं ओ आर डी ए, क्योंकि स्टैंडिंग से लिखने से ये फायदा होता है कि हमें थोड़ा क्लियर हो जाता है, दिख जाता है कि उसमें लॉजिक ये हो सकता है। ठीक है, जिसका पूछा है वो भी लिख लो। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें कि इन्हीं को ही उन्होंने इंटरचेंज किया हुआ है, आर यहाँ पे है और ओ यहाँ पे है। अब इसी तरह हम यहाँ पे भी ऐसे लिख देते हैं साथ के साथ। ठीक है, और यहाँ पे ए और डी को इंटरचेंज किया है, हम भी कर देते हैं टी यहाँ पे और ई यहाँ। ठीक है, तो आपका जो कोड है वो क्या बन गया, ए डी ई टी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, थैंक यू।